ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखं अहं क्रतुरहं यज्ञम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत प्रभवः प्रलयस्थानम् निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षम् निगृह्णाम्युत्सृजामि च म्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन तपाम्यहमहं वर्षम् निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन सदसच्चाहमर्जुन तपापि तपामि अहम् आदित्यो भूत्वा कैश्चित् रश्मिभिः उल्बणैः अहं वर्षं कैश्चित् रश्मिभिः उत्सृजामि उत्सृज्य पुनः निगृह्णामि कैश्चित् रश्मिभिः अष्टभिः मासैः पुनः उत्सृजामि पाप्रावृषि अमृतं चैव देवानां मृत्युश्च मर्त्यानां सत् यस्यत्सम्बन्धितया विद्यमानं तद्विपरीतम् असत् च एव अहम् अर्जुन न पुनः अत्यन्तमेव असत् भगवान् स्वयं कार्यकारणे वा सदसति
ये पूर्वोक्त ही अनुवृत्ति प्रकार ही एकत्व पृथकत्वादि विज्ञान ही यज्ञ ही माम पूजयंतः उपासते ज्ञानविदः ते यथा विज्ञानम मामेव प्राप्नुवन्ति इति। सो प्रभु ने आरंभ में जगत का संदर्भ ले करके स्वयं के स्वरूप का बोध कराया है और उस प्रकरण में जो निगमन है वो है नच मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगम ऐश्वरम। ऐश्वरम मे योगम पश्य क्या पश्य नच मत्स्थानि भूतानि। अर्जुन जब तुम जगत देखते हो तो इस बात का विचार करो कि इसका कारण कौन है और जो कारण होगा वो अपने कार्य में ततम व्याप्तम होगा ही होगा। सो मया ततम माने मैं ही इस पूरे जगत का कारण हूँ। तो समूचा जो दृश्य प्रपंच है दृश्य समुदाय है वो सब का सब चेतन पूर्वक है, चेतन से इसकी उत्पत्ति हुई है। पहले विचार से इस बिंदु पर पहुंचना चाहिए। कारणत्वात् चेतनस्य व्याप्ति ही अस्मिन् जगति। कारण होने के कारण चेतन इस जगत में व्याप्त है, इस बात को समझना चाहिए। तो ये पंक्ति समझ में आ जाएगी मया ततम। मया चेतनेन मया अव्यक्त मूर्तिना इदं सर्वं ततम। दूसरी बात ये भी समझ में आएगी कि जब ये उपस्थित हैं दृश्य प्रपंच जब है तब मत्स्थानी इसका अधिष्ठान मैं हूँ। समूचे दृश्य प्रपंच की जो सत्ता है वो मेरे अधीन है, मुझ में है, मुझसे है। इस वाक्य का अर्थ समझना चाहिए। मत्स्थानी और फिर यह भी समझना चाहिए कि जो चेतन की सत्ता है वो स्वयं सिद्ध है, वो द्रव्य का आश्रय लेकर के नहीं है। नच अहम तेषु अवस्थितः। द्रव्य का आश्रय लेकर के, देश का आश्रय लेकर के, काल का आश्रय लेकर के, वस्तुओं का आश्रय लेकर के चेतन की स्थिति नहीं है। चेतन असल में आश्रित नहीं है और इसलिए उसको आश्रय की आवश्यकता नहीं है। यह नियम है कि जो आश्रित होगा वो निराश्रय नहीं हो सकता। तो कोई चीज आश्रित है तो आश्रय की जरूरत है। अगर कोई चीज आश्रित नहीं है तो आश्रय की अपेक्षा नहीं है। अब ये विवेक करना चाहिए कि कोई चीज आश्रित क्यों होती है। जब हम कहते हैं चेतन आश्रित नहीं है
ऐसा क्यों कहते हैं? हम तो ऐसा देखते हैं कि जो भी चीज उपलब्ध है वो किसी न किसी पर आश्रित है। जब हम पुस्तक को देखते हैं तो टेबल पर आश्रित है वो दिखता है, टेबल पृथ्वी पर आश्रित है वो दिखता है, पृथ्वी जल में आश्रित है ये दिखता है। ऐसी तो कोई चीज नहीं दिखाई देती जो आश्रित न हो। तो आपने ये एक वाक्य बोला कि चेतन आश्रित नहीं है, तो ये कैसे समझा जाए? तो पंचदशीकार ने इस विषय को उठाया और ये प्रश्न उठाया कि अच्छा ठीक है, सभी कुछ आश्रित है, वायु भी आश्रित है, कहाँ? आकाश में। आकाश कहाँ आश्रित है? तो न्याय से अनुग्रहित बुद्धि किसी की रही होगी, उन्होंने कहा आकाश तो स्वयं है। आकाश एक ऐसी चीज है जो किसी पर आश्रित नहीं है, उसको आश्रित होने की आवश्यकता नहीं है। बाढ़ हम बोलते हैं, ठीक है, अगर ऐसा है बहुत अच्छा है। प्रश्न ये है कि अगर आप एक चीज को अगर आप मानते हो कि वो आश्रित नहीं है, स्वयं स्थित है, तो जैसे आकाश को स्वयं स्थित माना जा सकता है, वैसे ही चेतन को भी स्वयं स्थित क्यों नहीं माना जा सकता? ये स्वे महिमनि प्रतिष्ठितः, अगर कोई वस्तु स्वयं की महिमा में प्रतिष्ठित है, चेतन अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है, इस बात का ध्यान करना हो, समझना हो, तो आपेक्षिक रूप से जिस चीज को आप देखोगे वो है आकाश। आकाश का ध्यान करो, ये स्वयं है कि नहीं है? परमार्थतः ये स्वयं नहीं है। आप जानते हो आकाश समष्टि मन पर आश्रित है। आश्रित है का अर्थ है वही उसका लय स्थान है, वहीं से ये उदित हुआ है, अविना भाव है। माने अगर समष्टि मन न हो तो आकाश की स्फूर्णा नहीं हो सकती। मन के लय के साथ आकाश की स्फूर्णा का कोई प्रसंग नहीं हो सकता। स्वप्न का आकाश मन के बिना नहीं हो सकता। यह सही है कि स्वप्न की पृथ्वी, स्वप्न का जल, स्वप्न की अग्नि, स्वप्न का वायु स्वप्न के आकाश में स्थित है, ये ठीक है। लेकिन स्वप्न का आकाश मन के बिना नहीं हो सकता, अविना भाव है, इसलिए यह बात कही जाती है कि आकाश मन में स्थित है। मान लो मनोलय हो गया सुसुप्ति में, तो अब जो स्वप्न का आकाश है उसकी स्थिति नहीं बन सकती। ये देखो, तो जैसे व्यष्टि में ये सच है, स्वप्न हमारे लिए एक सहायक बन के आता है रहस्यों को समझने के लिए, जैसे व्यष्टि का ये सत्य है वैसा ही समष्टि का सत्य है। समष्टि आकाश समष्टि मन के बिना नहीं हो सकता, ये वेदांत का पक्ष है। न्याय का पक्ष ये नहीं है। न्याय दर्शन कहेगा आकाश नित्य है, स्वयं है, किसी पर आश्रित नहीं है। तो बिंदु यह है समझने का कि कोई चीज ऐसी हो सकती है जो आश्रित ना हो।
और हो, और यदि ऐसा है तो वो ऐसा क्यों है कि वो किसी पर आश्रित नहीं है। भाष्य में एक शब्द आपने पीछे पढ़ा है, जो चीज सावयव होगी वो अन्याश्रित होगी, पढ़ा सावयवत्वात्। सावयव होने के कारण जो भी वस्तु सावयव होगी वो अन्याश्रित हुए बिना नहीं रह सकती। तो आकाश जो स्वतंत्र दिखाई देता है, आकाश जो अनाश्रित दिखाई देता है, उसमें हेतु यही है कि उसमें अवयव नहीं दिखता। आकाश निरवयव, निरंश, निराकार होने के नाते तो अनाश्रित मालूम पड़ता है। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि चेतन जिस तरह से निरवयव है उस तरह से आकाश निरवयव नहीं है। अनुभव की कक्षा में भी इस बात को समझा जा सकता है कि वृत्तियों का प्रकाश, वृत्तियां जिस चेतना से मालूम पड़ती हैं वह आत्म चैतन्य जिस तरह से निरवयव है, यानी उसकी निरवयवता ऐसी अद्भुत है कि वो असल में अचिंत्य है, असल में अप्रमेय है, बियॉन्ड और कंसेप्शन है। हम यह आत्मरूप से उसको अनुभव कर सकते हैं, लेकिन बुद्धि की चिंता में वो आ जाए ये बात दिखती नहीं है। अचिंत्य रूप अप्रमेय अवांग मनस गोचर, उसकी जो निरवयवता है वो अद्भुत है, कल्पना में नहीं आता। आकाश की स्थिति कैसी है? आकाश ज्ञान का विषय है, आकाश प्रमेय है। ये देखो कितना फर्क हो गया। प्रमेय होने के कारण बुद्धि आकाशाकार बनती है, और इसीलिए कहा जाता है कि आकाश मन में है। आकाश में उस तरह का अवयव भले न हो जैसा वायु में है, आकाश में उस तरह का अवयव भले न हो जैसे पृथ्वी में है, जैसे अग्नि में है, जैसे जल में है, लेकिन आकाश उस तरह का भी निरवयव नहीं है जैसे चेतन है। बहुत फर्क है। निरवयव हम आकाश को कहते हैं वो सही है, लेकिन प्रमेय हो, अच्छा प्रमेय में भी चूंकि अवयव विच्छेद नहीं होता। क्यों विच्छेद नहीं होता? क्योंकि शेष जो महाभूत हैं वो आकाश की अपेक्षा स्थूल हैं, और इसलिए स्थूल के द्वारा सूक्ष्म का विच्छेद नहीं हो सकता। यह सही है, लेकिन व्यवहार में आकाश बंटता है, व्यवहार में आकाश बिकता है बांट करके, कोई 20वें फ्लोर पे रहता है, कोई देखो आया ना बटा कि नहीं बना,
आदमी कहाँ रह रहा है? आकाश में। स्लाइस कर दिया आपने आकाश को, बोलो ये मिथ्या बंटवारा है, मिथ्या होगा लेकिन व्यावहारिक है। व्यवहार हो रहा है उससे, दिशाएं उसको बांटती हैं, उसमें इस तरह की प्रतीति होती है, इस तरह की वृत्ति बनती है। क्या? यहां वहां जहां तहां कहां, ये जो विभाग दिखाई देता है, यहां नजदीक इस हॉल के बाहर वहां, ये देखो। तो हम जब कहते हैं आकाश निरवयव है, तो अभिप्राय हमारा ये होता है कि वो वायु की तरह सावयव नहीं है। वायु में सावयवता है इसीलिए गति है, वायु में परिच्छेद है इसीलिए गति है, इसीलिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर वो चलता है। अगर वो पहले से ही दोनों बिंदुओं पर होता तो चल नहीं सकता था। इसका मतलब है कि वायु एक समय में इस बिंदु पर था, दूसरे समय में इस बिंदु पर आया, पहले वहां नहीं था। आकाश के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते कि वो एक बिंदु पर एक समय में था, दूसरे बिंदु पर नहीं था और चल करके पहुंचा। तो चूंकि सारे बिंदु आकाश में हैं, इसलिए वो निरवयव है, वो निराकार है, वो व्यापक है, वो कूटस्थ है, वो अचल है। इन शब्दों का व्यवहार होता है, लेकिन यही शब्द बोले जाते हैं चेतन के लिए भी। तो सादृश्य वैसा नहीं है, तो अनुभव की श्रेणी में यह सादृश्य कभी नहीं मिलेगा और विचार की श्रेणी में भी कभी नहीं मिलेगा। एक प्रमेय होकर के व्यापक है और एक अप्रमेय रहते हुए व्यापक है। जो चीज, अब ये शब्द भी कंट्रोडिक्टरी है कि जो प्रमेय है वो व्यापक है, वो सापेक्ष व्यापक होगा, और जो जिसका बुद्धि आकार ले सकती है वो निरवयव है, यह सापेक्ष निरवयवता है। जो विशेषण विशेष से संबंध से युक्त माने प्रकाश विशिष्ट आकाश, तो तभी वो संज्ञान में आता है। तो विशिष्ट होता है। सो इसलिए आकाश चार महाभूतों की अपेक्षा से अनाश्रित द्रव्य है, लेकिन स्वयं परमार्थतः वह मन पर आश्रित है, मन के साथ उसका अभिना भाव है। लेकिन नियम बन गया, नियम क्या बना कि जो अत्यंत निरवयव है, जो अत्यंत निराकार है, वो अनाश्रित होगा। और जहां किंचित सावयवता है, जहां किंचित साकारता है, वहां आश्रित भाव जरूर उपस्थित हो जाएगा। सो आश्रितत्व का हेतु सावयवता है, आश्रितत्व का हेतु साकारता है, आश्रितत्व का हेतु परिच्छिन्नता है, और
आश्रितत्व का हेतु प्रमेयत्व है। यह बात गलत है कि कोई प्रमेय निराश्रित रह सकता है, यह बोलना ही गलत है। प्रमेय तो प्रमाता सापेक्ष है, वो निराश्रित कैसे रह सकता है? न चाहम तेषु अवस्थितः, ये परिचय कराया, मैं किसी पर आश्रित नहीं हूं, मेरा अस्तित्व सर्वनिरपेक्ष है, चेतन जगत सापेक्ष नहीं है, दृष्टा दृश्य सापेक्ष नहीं है, आत्मा देह सापेक्ष नहीं है। एक ऐसी सत्ता है, एक ऐसा अस्तित्व है, उस अस्तित्व का नाम है भगवान, ये परिचय कराते हैं। तो जगत स्थिति काल में मुझ में है, प्रलय काल में यस मामिकाम प्रकृति ज्ञानति, उत्पत्ति काल में प्रकृति सूयते मया अध्यक्षेण, सो यह जो दृश्यमान जगत है वो स्थिति काल में प्रलय काल में उदय काल में माने तीनों अवस्थाओं में मुझ में ही आश्रित है, मैं अधिष्ठान हूं इसका, अव्यय अधिष्ठान हूं। और सावधानी से देखोगे अर्जुन तो मैं ही हूं और न च मत्स्थानी भूतानी, ये स्वरूप का परिचय हो गया। ऐसा होने पर जो सर्वाधिष्ठान है उसको किसी ने समझा मानुषीं तनुम आश्रितम, अरे जो निराश्रित द्रव्य है, जो ऐसा अस्तित्व है, जो अकेला ही ऐसा है जिसको किसी आश्रय की आवश्यकता नहीं है, उसको जब कोई ये समझेगा कि ये मानुषीं तनुम आश्रितम है, आश्रितः है, तो ये तो अवजानन्ति, ये तो सत्य की अवज्ञा है, ये तो सत्य का अपराध है, अपमान है। जो अधिष्ठान है उसको आश्रित बना रहे हो, और आश्रित भी किसका? जो स्वयं अत्यंत आश्रित है। शरीर तो जो है वो हर तरह से आश्रित है, अपने सर्वाइवल के लिए आश्रित है, अपने खड़े होने के लिए आश्रित है, सोने के लिए आश्रित है। जो अत्यंत सावयव साकार पराधीन वस्तु है उसको तुम क्या कह रहे हो कि इसमें मन रहता है, उस मन में आत्मा रहता है? इस शरीर में मन रहता है, वाह, फिर मन में आत्मा रहता है, और ये सब मिलकर के कौन बना? बोले मैं हूं, मनुष्य हूं। जब इस तरह का ज्ञान गलत हो गया तो फिर कर्म गलत, आशाएं गलत, प्रकृति में असुर, प्रकृति में राक्षस, प्रकृति में मोह हो जाता है। लेकिन अर्जुन, अगर किसी की दैवी प्रकृति है, ज्ञान सही है, ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। अगर कोई मुझे सही जानता है और उसका प्रकृति भी दैवी है तो
तो बोले तवे की बात है, किम माम भजंती अनन्य मनसः, माम भजन्ते मई रमन्ते, मुझ में रमण करता है, अनन्य भाव होकर के मुझ में रमण करता है। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम कीर्तयन्तः सततम्, सततम् कीर्तयन्तः माम यजन्तो माम उपासते नमस्यन्तश्च माम भक्त्या। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम उपासते एकत्वेन। ये तो मौज की बात है, कभी बिल्कुल अद्वैत भाव में, अद्वितीय भाव में स्थित है, चेतनांतर कोई वस्तु नहीं है, बस इस बोध में जगा रहना बड़ा भजन है। आत्मांतर कोई वस्तु नहीं है, चेतनांतर कोई वस्तु नहीं है, बस इस बोध में बने रहना, इस बोध में जगे रहना, ये भजन है। एकत्वेन कदाचित पृथक्त्वेन, जब कभी मौज आई, लगा अंतःकरणाभिमानी भी कुछ है भले ही मिथ्या हो, तो अंतर्यामी से द्वैत हो गया, और तब जो भजन का रूप बना वो कल्पित द्वैत में भक्ति है। अज्ञान नहीं है, कल्पित द्वैत है। कल्पितम द्वैतम अद्वैतातपि सुंदरम। हा हा, तब वो फिर कहता है प्रभु मैं कमजोर प्राणी हूं, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। ये जानबूझ के बोलता है, अंतःकरण के साथ तादात्म्यपन्न होकर के तो विकारानुभूति होती है ना, निर्बलता की अनुभूति होती है, स्खलन की अनुभूति होती है, अरे पहले जैसा नहीं रहा, ये विकार आ गया, ये विकार आ गया। कोई परिस्थिति विशेष में ईर्ष्या की अनुभूति हो गई, काम की अनुभूति हो गई, लोभ की अनुभूति हो गई, तो इस अनुभूति को ले करके वो भक्ति बना लेता है। बोले महाराज मेरी ये हालत है और आप यहीं बैठे बैठे देख रहे हो, कुछ करो। मैं पतित पावन सुने। मैं पतित, ये कौन बोल रहा है? अज्ञानी भी बोल सकता है, ध्यान रखना ज्ञानी को बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। ये न कहना कि ये कैसे ज्ञानी है बोल रहे हैं अपने को पतित, तुमसे पूछ के बोलेगा क्या वो? उसको सब मालूम है, इधर भी इधर भी इधर भी, कहीं कोई विभ्रम नहीं है। उसको लगता है यस, ईर्ष्या देखो आ गई, नहीं आनी चाहिए थी, मैं इस लायक नहीं हूं। अंतर्यामी प्रभु का जितना शुभ्र रूप है रुक्म वर्णम, जैसा उनका स्वर्ण जैसा चमकता रूप है, निर्विकार बेदाग अनवद्य रूप है, निष्कलंक निरंजना, वैसा मेरा नहीं हो पाता। मेरा माने अभिमानी, अंतःकरणाभिमानी। देखो अब ठीक है कि ईर्ष्या प्रकट नहीं हुई, इतना बल नहीं था उसमें कि वो हमसे कोई अधर्म करवा ले, या इतना बल नहीं है उसमें कि वो प्रकट हो जाए, लेकिन आ तो गई।
ये कोई अच्छी बात है, काम का संचार हो गया ये कोई अच्छी बात है, छुपा लेने और चुरा लेने की वृत्ति मन में आ गई यार बहुत बढ़िया चीज है, रख लो यार क्या करना है, स्तेय वृत्ति आ गई तो बोलता है ये भक्त मैं चोर हूं की नहीं चोरी तो क्या हुआ, वृत्ति तो आ गई, लोभ की वृत्ति आ गई, काम की वृत्ति आ गई, अभिमान की वृत्ति आ गई, इन वृत्तियों को लेकर के वो बिह्वल हो जाता है और तब कभी तुलसी की विनय पत्रिका निकल आती है। आप क्या समझते हो तुलसीदास जी अज्ञानी होकर विनय पत्रिका लिखते हैं? उसी विनय पत्रिका में इतने गंभीर पद हैं जो इस बात का प्रमाण है कि उनके सामने सत्य ऐसा खुला प्रकट है, लेकिन तो मौज है उनकी, साधन करे न जानी। एक पद लिखा उन्होंने, हरि हम साधन करे न जानी, जैसी बीमारी है वैसी दवाई नहीं करते वहां पे लिखा उन्होंने, प्रतिबिंबित चंद्रमा को पकड़ना चाहते हैं। ऐसी साधना बोलते हैं। तो बोले स्वप्न में हत्या हो गई और निष्पाप होने के लिए वहां यज्ञ पर यज्ञ किए जा रहे हैं, जाग नहीं रहे हैं केवल यज्ञ कर रहे हैं। जाग जाओ तो पता चलेगा कि तुमने हत्या ही नहीं की, लेकिन नहीं, ये है ये पृथक्त्वेन जो भक्ति है ना ज्ञानियों की, उसका प्रसाद है विनय पत्रिका, उसका प्रसाद है रामायण, उसका प्रसाद है भागवत। बहुधा विश्वतो मुखम, विश्व देखते समय भ्रमित नहीं होते वो, विश्व देखते हुए वो मुझको ही देखते हैं। कैसे आपको देखते हैं? क्योंकि मंत्रो हम अहम एवा जम अहम अग्नि ही अहम हुतम, दूसरा किधर है? पिता अहम, गति ही अहम, भर्ता अहम, दूसरा किधर से आया? ये तो एक नंबर का बहुरूपिया, हर जगह वही खुद ही पता नहीं क्या क्या बन के बैठ गया ये तो समस्या है डबल रोल नहीं है यहां, ट्रिपल भी नहीं, यहां ऑल इन वन है शत्रु भी वही बन करके बैठा हुआ है। बोले जरा तुम्हारे साथ खेलूंगा। क्या खेलूंगा? देखूं कितना उछलते हो। शत्रु का रूप लेके आ गया, चिकोटी काटता है, देखना चाहता है कितना उछलते हो, तुम्हारा ज्ञान कैसा है, रह पाते हो नहीं रह पाते हो। जब मैं तुमको मारने दौड़ता हूं तब तुम मुझे मारने वाला समझते हो कि अपना आराध्य समझते हो? भीष्म ने तो गलती नहीं की, भगवान जब चक्र लेके दौड़े तो भीष्म तो घुटने पे खड़े हो गए, बोले यही रूप तो देखना चाहता था, ये नहीं कह रहे मेरे को मारा नो। वो कहते महाराज जी बोलते थे, परमात्मा शेर की खाल ओढ़ के आवे तो भी पहचाना जाएगा, तब भी भ्रम नहीं हो सकता कि ये शेर है कि ये
परमात्मा है। बोले तुम्हारा बाप कभी कभी डरावना मास्क लगा करके और खोल ओल पहन करके आता है, तो जो नासमझ बच्चे होते हैं वो डर जाते हैं, और जो समझदार होते हैं वो डरने का नाटक करते हैं, नहीं डरते ऐसा नहीं, डरने का नाटक करते हैं। विश्वरूप बहुधा विश्वतो मुखः अहमेव सर्वम्। अर्जुन मैं ही आदित्य रूप हूं। वाओ, ये जो तुम जिस पृथ्वी पर रहते हो, जिस भूलोक में रहते हो, उस भूलोक में अगर मेरा ध्यान करना हो तो तुम मुझको थोड़ी देर के लिए आदित्य स्थानी समझ लो। इस पूरी पृथ्वी का संचालन, पूरे भूलोक का आधार संचालक, एक नभमंडल में देदीप्यमान सूर्यदेव करते हैं। कैसे करते हैं? अहम तपामी। देखो, सूर्य से एक होकर के प्रभु बोल रहे हैं, अहम तपामी प्रखर किरणों से। उलबड़ई ही, उलबड़ई ही माने प्रखर, बिल्कुल चुभती हुई जो किरणें हैं, उन किरणों से मैं तपन करता हूं, इस सृष्टि को तपाता हूं, तुम्हारे भूलोक को तपाता हूं। छिलचिलाती धूप, आंख चुंधिया जाए ऐसी ऐसी धूप। बोले मैं करता हूं ये, कुछ किरणों से ये काम करता हूं। अहम तपामी, फिर वर्षम अहम, फिर मैं बरसता हूं। अरे बोले पानी बरसता है, तुम किधर बरसते हो? बोले मैं ही बरसता हूं मूर्खाधिराज, अगर मैंने तपाया न होता, समुद्र से पानी उठाने के लिए आज तक कोई लिफ्ट नहीं बनी है ऐसी, और वहां से उठा करके तुम्हारे आंगन तक लाने वाला कोई ट्रांसपोर्ट आज तक डेवलप नहीं हुआ, और अगर ट्रांसपोर्ट चार्ज लग जाए तो तुम बिना पिए मर जाओगे, खरीदोगे नहीं। ये हमारे भावनगर वाले लोग, जब मैं गया तो हमने कहा अब तो पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी, तो नर्मदा का जल आ गया। बोले आ तो गया लेकिन हम खरीदते नहीं हैं। कहा क्यों भाई? अरे बोले बहुत महंगा है, गवर्नमेंट चार्ज करती है, पहले बिना चार्ज के पैसा पानी मिलता था, चाहे 20 मिनट चाहे आधे घंटे चाहे 40 मिनट मिलता हो, अब ये कहते हैं 24 घंटे ले लो लेकिन इतना टैक्स लगेगा पर यूनिट। तो हम लोगों ने तो लिया नहीं, जब मरने लगेंगे तो देखा जाएगा। तो वो महापालिका ने लिया ही नहीं गवर्नमेंट से, उसने कहा अभी बरसात भी थोड़ी थोड़ी ठीक ही ठीक हुई है लेकिन इतना चार्ज देके कौन लेगा, चलो जी छुट्टी करो। ये तो हाल है नर्मदा के पानी का। अगर बादलों का टैक्स देना पड़ जाए तो अहम वर्षम, सूर्यदेव ही वायु का संचालन करते हैं। देखो सूर्यदेव ही वाष्पीकरण करते हैं, सूर्यदेव ही बादलों का निर्माण करते हैं, और उन बादलों को वायु को गर्म करके उड़ा देते हैं, फिर उसकी जगह लेने के लिए ठंडी वायु आती है, और इस तरह से वायु चलती है, उस वायु पर सवार होकर के बादल चलते हैं। वाह, और फिर हमारे आंगन तक खेत तक पहुंच गए। फिर वर्षम, कैसे वर्षम? सूर्य बन करके ही, ध्यान रखना, क्योंकि
इट्स अ प्ले ऑफ टेम्परेचर ओनली। जब वो कह रहे हैं कि सूर्य बन करके मैं वर्षा करता हूं, इट्स अ प्ले ऑफ टेम्परेचर, थोड़ा सा टेम्परेचर फ्लक्चुएट किया वहां से, बस पता चला कि बादल फट गया। अभी हुआ महाराज शिमला में, एक खास टेम्परेचर पे बादल पानी फिर बन जाता है, हरिओम बरस गया। अहम तपामी अहम वर्षम, कहते हैं जरा देखो तो सही, मेरा सूर्य रूप देखो। निगृणामी उत्सृजामी च, मैं ही जल को नीचे से ले लेता हूं और फिर मैं ही छोड़ देता हूं। तुम क्या समझते हो, तुम लोग मिलकर के लीला कर रहे हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम लोग तो बस पियो। ये दूसरी चीज नहीं बोल रहा हूं पीने को, तुम लोग तो बस पियो और खेत की सिंचाई करो, नदियों में नहाओ। निगृणामी उत्सृजामी च, ये एक विराट लीला हो रही है पूरे विश्व के धरातल पर। लोग समझते हैं हम जी रहे हैं, हम व्यापार कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अगर ये दो काम ना हो तो छुट्टी करो फिर। मैं तो केवल निगृणामी उत्सृजामी दो ही काम करता हूं, बाकी तो सब तुम ही लोग करते हो नलायको। और ये दो काम अगर न करूं तो हो गया, तुम्हारी सारी लायकियत की पोल खुल जाएगी। निगृणामी उत्सृजामी च, क्या लिखते हैं भाष्यकार, कैश्चित रश्मि भी उत्सृजामी उत्सृज्य पुनः निगृणामी, कैश्चित रश्मि भी, कुछ रश्मियों के साथ फिर से उसको ले लेता हूं। कुछ रश्मियों के साथ माने इसको ऐसे समझो, मेरे ही एक खास टेम्परेचर पे मैं ग्रहण करता हूं, निग्रहण करता हूं, और मेरा ही कुछ टेम्परेचर ऐसा है जिससे मैं उत्सृजामी। तो रश्मियां ही ग्रहण का कारण बन रही हैं और रश्मियां ही उत्सर्जन का कारण बन रही हैं। ये तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव। अर्जुन, देवता लोग कहते हैं अमर हैं, आपको मालूम है वो अमरता मैं ही हूं। मृत्युश्च, और ये मनुष्य लोक के लोगों को कहा जाता है कि ये मरणशील हैं, इनकी मृत्यु भी मैं ही हूं। अमृतम चैव मृत्युश्च, ये इस शब्द का अर्थ देखना, अमृतम देवानाम, मृत्युश्च मर्त्यानाम, वो मैं हूं। वाह, मेरी लीला चल रही है, काल की लीला है। काल से एक होकर के भगवान क्या बोलेंगे, दीर्घ दीर्घ काल तक किसी का शरीर रह गया, लोग बोलने लग गए अमर है अमर है अमर है। 65-70 साल के बाद लटकने लगे, बोले ये तो सबकी ही गति है, तो होना ही था, ये तो कोई अमर होके तो आया नहीं है। तो सूर्य से एक होकर के सृष्टि के संचालक हैं, और काल से एक होकर के सफाई करते रहते हैं। बहुत जरूरी है महाराज, घर में अगर आप सोचो 10-15 पीढ़ी के बुढ़ऊ लोग अब तक जीवित होते, आई टेल यू आप बाहर होते। मुश्किल हो जानी थी, ठहरना मुश्किल। बोले आपको भी होना है, जरा ज्यादा ना बोलो। कोई बात नहीं, स्वागत करते हैं, लेकिन ये दुनिया जीने लायक है, क्योंकि काल भगवान जो है वो स्वच्छ रखते हैं सब चीजें।
कालक क्रीड़ा मेरी ही क्रीड़ा है, सूर्य क्रीड़ा मेरी ही क्रीड़ा है, यह अर्थ निकला इसका। यह कोई सूर्य की क्रीड़ा नहीं है। मत दोष दो कि सूर्य ने यह किया, मत दोष दो कि काल ने किया, ये सब लौकिक बातें हैं। अगर कोई समझता हो कि यह सूर्य की क्रीड़ा है, वर्षा और धूप, गर्मी और सर्दी, बरसात और उसके कारण फिर नाना प्रकार की फसलें और उसके कारण नाना प्रकार के फल और उसके कारण नाना नाना प्रकार की सृष्टि की घटनाएं, सब किसकी क्रीड़ा है? बोले सूर्य की। मूर्ख हो, मेरी क्रीड़ा है। जन्म मरण इतनी बड़ी क्रीड़ा है, ये इस सृष्टि में लगी हुई है बिल्कुल। किसकी क्रीड़ा है? बोले काल की। कहे कि काल मेरी क्रीड़ा है। मृत्युश्च अमृतम च अहमस्मि। अच्छा, सदसच्चाहम अर्जुन। हे अर्जुन, मैं कार्य हूं, मैं कारण हूं, और कोई नहीं है। देखना, तीन बात कही इस श्लोक में। ध्यान से कोई विद्वान देखे तो उसको लगेगा कि सारी सृष्टि में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की है तो वो सूर्य की है। ही इज द बिगेस्ट प्लेयर ऑफ दिस वर्ल्ड, ही हैज द बिगेस्ट रोल, ही हैज द की रोल। अमरूद का फल अमरूद के पेड़ से आता है, ये प्रत्यक्ष है, लेकिन सर्दी न हो वो नहीं आएगा, वर्षा न हो वो नहीं आएगा, पेड़ खड़ा रहेगा। ये मत बोलो कि बस आम से ही आम आता है, ये झूठ बात है। गर्मी न हो तो आम का पेड़ खड़ा रहता है 9 महीने, कोई फल नहीं आता। ये तो सूर्य की लीला है। सर्दी न हो गेहूं नहीं होगा, उमस न हो धान नहीं होगा, और सब्जी में जो मसाला डालते हो बिना सर्दी के धनिया नहीं आती। द बिगेस्ट प्लेयर ऑफ दिस यूनिवर्स इज सन, सूर्यदेव। उनसे बड़ा कोई रोल किसी का है नहीं। उनका नाम लिया उन्होंने, वो मैं हूं। बोले महाराज, प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी लीला है। काहे की लीला है? जब रोज पूछना पड़े कि सफेद पगड़ी बांधूं कि नीली, काहे की भूमिका है? बुश की बहुत बड़ी भूमिका है। बुश फुस हो गए, एक आदमी, एक महाराज दढ़ियल आदमी ने, पता नहीं बेकायदा आदमी है वो, लिखता है अलकायदा। अच्छा, कोई कायदा कानून को नहीं मानने वाले ने ये सब फजीहत कर रखी है। वो उसको फुस कर दिया हर जगह। बिग प्लेयर कोई नहीं है सिवाय मालिक साहब के। दूसरी क्रीड़ा है काल की, जिसका निर्वचन भगवान बोलते हैं, मृत्युश्च अमृतम च। और तीसरी क्रीड़ा है कार्य कारण की। ये देखना 19वां श्लोक गहरा हो जाएगा जब आप जरा तरीके से पढ़ोगे तो। सदसत, भाष्यकार लिखते हैं अंत में, वो पहला वाला अर्थ उनको खुद ही संतोषजनक नहीं लगा तो अर्थ करते हैं, क
कार्य कारणे वा सद असति। ध्यान रखना, कार्य में सद्बुद्धि होती है। क्यों? क्योंकि वो प्रमाण गम्य हो जाता है। भाई कौन मानेगा, कौन कहेगा कि पृथ्वी नहीं है, जल नहीं है, आपका शरीर नहीं है? प्रमाण गम्य हो गया तो सत 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 सत, तो सद सद शब्द वाच्य कार्य है, और कारण चूंकि प्रत्यक्ष नहीं है इसलिए लौकिक बुद्धि वाले लोग कई बार ध्यान भी नहीं देते हैं, हैं कि कारण नाम की कोई चीज शायद होगी, वो छिप जाता है। इसलिए असत शब्दवाच्य कारण, सत शब्दवाच्य कार्य। कार्य जरूरी नहीं कि प्रत्यक्ष हो। आप अर्थापत्ति प्रमाण के विषय में देखते हैं, बाढ़ आई सब लोग देख रहे हैं, बरसात आसपास कहीं हुई नहीं, तो नहीं शब्द आ रहा है, बरसात तो हुई नहीं, बाढ़ कैसे आई? तो अगर तो कोई अनुमान कुशल है वो अनुमान करेगा, अन्यथा असत है। क्यों हुआ ये, कहां से आया? प्रायः कारणानुसंधान में कोई आधा कदम चलता है, कोई एक कदम चलता है, कोई दो कदम चलता है। बस मैं इस शरीर के साथ कैसे पैदा हुआ, ये पैदा हुआ सत है, मुझे कोई डाउट नहीं है, है। कैसे आया, कारण अधिक से अधिक मां के गर्भ से आया, पिता के देह में था मैक्सिमम। फिर बोले यार बुद्धि नहीं चलती, फिर आगे मत बोलो, असत। ये जीवन में परिस्थिति आती है, कहां से आई? बोले अमुक ने ऐसा किया, अमुक ने, चार पांच लोगों का नाम गिना सकते हैं, वो प्रत्यक्ष जब तक दिखाई देंगे तब तक नाम गिनाएंगे, लेकिन उन लोगों ने तुम्हारे लिए ऐसा क्यों किया? बोले वो नहीं मालूम। भाई इतने लोग थे तो बाकी लोगों के लिए वो नहीं कर रहे हैं, तो तुम्हारे लिए वही लोग क्यों कर रहे हैं? ये संयोग कौन मिला रहा है? अधिक से अधिक उत्तर क्या आएगा, मैंने तो नहीं मिलाया। तुमने नहीं मिलाया, तुम्हारे दोस्त ने नहीं मिलाया, तो मिलाया किसने? बोले मुझे नहीं मालूम, असत हो गया। तो ये देखो, सत असत शब्दवाच्य कार्य कारण। अब ये लीला कितनी गंभीर चल रही दुनिया में, कल ही आप लोगों ने पढ़ा बीजम अव्ययम। इस सृष्टि के हर चीज का बीज सनातन है, अव्यय है। यावत संसार भावित्वात्, भाष्यकार ने लिख दिया, आम से आम पैदा होता रहेगा, मनुष्य से मनुष्य पैदा होता रहेगा, शेर से शेर पैदा होता रहेगा, गेहूं से गेहूं पैदा होता रहेगा, वो चलता चला आ रहा है, कब से चलता चला आ रहा है। तो एक तो सृष्टि में सूर्य क्रीड़ा, दूसरी काल क्रीड़ा, तीसरी कार्य कारण की क्रिया क्रीड़ा, बस इतनी ही है, ज्यादा नहीं कुछ है। बोले हम किधर आते हैं? बोले तुम घेलुए में चले, तुम क्या बोलते हैं, झुंगा पंजाबी में, उसमें तुम हो, फुटकर में। तुम्हारा कोई रोल गिनने लायक नहीं है, गण्य मान्य नहीं हो तुम। ये हालत, तपाम्यहमहम वर्षम निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतम चैव स्मृतश्च सदसच्चाहम अर्जुन। ये मैं हूं,
और ज्ञानी इसको पहचानता है। उसका ज्ञान यही है कि ये सूर्य की क्रीड़ा नहीं मेरी है, काल की क्रीड़ा नहीं मेरी है, ये कार्य कारण की क्रीड़ा कुछ नहीं मेरी है। कारक क्रिया और कर्म मैं हूं। गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम मैं हूं। वो ऐसा देखता है। इसलिए देखो 16वें श्लोक से 19वें श्लोक, चार श्लोकों में मालिक साहब ने पूरे विश्व प्रपंच का निर्वचन कर दिया, केवल चार श्लोकों में। कितनी गहरी सामर्थ्य है भगवान वेद व्यास की, और भगवान की तो फिर बोलना ही अपराध है। इतनी जबरदस्त बात करते हैं, अहम 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 महात्मानः माम भजन्ति अर्जुन, सच्चाई यही है। चाहे एकत्वेन भजन करें, चाहे पृथक्त्वेन, चाहे विश्वतो मुखम। अच्छा, दूसरे भी एक श्रेणी के लोग हैं अर्जुन, इसी दुनिया में रहते हैं वो लोग, और यू नो दे आर नोन एज ए जेंटलमैन। धार्मिक लोग माने जाते हैं, आस्तिक लोग होते हैं, उनको कोई बुरा आदमी नहीं कहता, बोला जाता है कि बड़े धार्मिक हैं। लेकिन वो उनकी स्थिति क्या है, बोले वो महात्मा तो नहीं है, दैवी प्रकृति वाले तो नहीं है, ऐसा मैं बोलना चाहूंगा। लेकिन पूत पापा, ध्यान रखना ये शब्द आया देव प्रपत्ति में 7वें अध्याय में, याद रखना। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः। तो हृतज्ञानाः वहां बोल रहे हैं, तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया, स्वयं की स्वाभाविक प्रकृति से नियंत्रित होकर के वो देव का चुनाव करते हैं, और उस देव की आराधना के जो जो नियम हैं उसमें स्थित होकर के उपासना करते हैं। ठीक है, तो नियमम आस्थाय जब बोलते हैं, इसका मतलब है वो लोग व्रती हैं। अगर देखो वो शब्द को पकड़ना, हृतज्ञाना को मत पकड़ना, इस श्लोक से उसका संबंध है, जो 7वें अध्याय का विषय है 9वें अध्याय के विषय में बड़ा साम्य है, और जोड़ते रहना तब वो विषय और खुलेगा। वहां लिखा तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया, जब वो ऐसा भजन करते हैं तो यो यो याम याम तनुम भक्त्या श्रद्धया अर्जितुमिच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान, कामान लभते न लभते एवं न, ततः कामान लभते किंतु मया लभते, मयैव कीदृशान कामान लभते विहितान, विहितान हितान कामान मया एव लभते, ये वहां कहा गया। अब उसी देव प्रपत्ति को यहां ऐसे करते हैं, त्रैविद्या माम सोमपाहा पूतपापाहा यज्ञैहि इष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्र लोकम, अच्छा पढ़ा नहीं, अस्नन्ति दिव्यान दिविदेव भोगान, पाठ कर ले जरा। त्रैविद्या माम सोम पाप पूत पापाः,
यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यां दिवि देव भोगान् अश्नन्ति दिव्यां दिवि देव भोगान् ये पुनः अज्ञाः कामकामाः त्रैविद्या ऋक् यजुस्सामविदो माम् वश्वादि देवरूपिणं सोमपाः सोमं पिबन्तीति सोमपाः तेन एव सोमपानेन पूतपापाः शुद्धकिल्विषाः यज्ञैः अग्निष्टोमादिभिः इष्ट्वा पूजयित्वा स्वर्गतिं स्वर्गगमनं स्वर्गतिः तां प्रार्थयन्ते ते च पुण्यं पुण्यफलं आसाद्य संप्राप्य सुरेन्द्रलोकं शतक्रतोः स्थानम् अश्नन्ति भुञ्जते दिव्यान् दिवि भवान् अप्राकृतान् देवभोगान् देवानां भोगाः तान्। सातवें अध्याय में लिखा विहितान तान कामान लभन्ते, बिल्कुल अब वही बात जो है अब यहां कहते हैं। वहां लिखा नियमम आस्थाय, वही बात यहां कहते हैं। कैसे बोलते हैं माम, इसको खंड अन्वय देखना, माम यज्ञैः इष्ट्वा, बस मुझे यज्ञों के द्वारा मेरा उन्होंने यजन किया। माम यज्ञैः इष्ट्वा पूजयित्वा, भजन कर पूजन करके, पूजन किससे किया, किससे किया, यज्ञैः दादा यज्ञों के द्वारा मेरा पूजन किया। अच्छा उससे क्या हुआ, उससे वो पवित्र हुए। उन्होंने जब यज्ञ किया तो यज्ञ करने के लिए वेद पढ़ा, त्रैविद्या, त्रैविद्या माने ऋक् साम यजुः, इन वेदों के कर्म कांडात्मक भाग से, कर्म कांडात्मक भाग के ज्ञान से संपन्न होकर माम इष्ट्वा मेरी आराधना करते हैं, तो ये नराधमाह नहीं है, न माम प्रपद्यन्ते ऐसा नहीं है, मूढ़ाहा नहीं है, त्रैविद्या संपन्न है। त्रैविद्या यज्ञै ही माम इष्ट्वा, लेकिन वो यजन जो करते हैं वो किस लिए करते हैं, इष्ट्वा किम, पूजन करके क्या, बोले प्रार्थयन्ते। अन्वय ध्यान से देखो, मां त्रैविद्या यज्ञै ही माम इष्ट्वा, इष्ट्वा किम, पूजयित्वा किम, पूजन करके क्या करते हैं, बोले प्रार्थयन्ते अर्थयन्ते, ये मुझसे प्रकृष्ट रूप से चाहते हैं। क्या चाहते हैं, स्वर्गतिम, और कुछ नहीं चाहते, स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, स्वर्ग गमनम इच्छन्ति ते, शोभन परिस्थिति चाहते हैं, जब तक शरीर है तब तक, और जब शरीर शांत हो गया तो स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, स्वर्ग गमन चाहते हैं, बस दिस इज व्हाट दे वांट।
सो जब वो यजन करते हैं तो यजन करते समय जिन व्रतों को उनको जीना पड़ता है उसके कारण पूत पापाः ते, पूत पापाः पवित्र, जिनके पाप निकल गए ऐसे हो गए। कैसे निकल गए? बोले सोमपाह यस्मात् ते सोमपाह तस्मात् पूत पापाः, ऐसा कार्य कारण संबंध लगाओ। यस्मात् सोमपाह, चूंकि ये सोम पीने वाले लोग हैं और इसीलिए वो पवित्र हो गए। अब देखो समाज में तो प्रायः सोम माने फिर है ना शराब का अर्थ करते हैं, नहीं, यहां तो पवित्रता का हेतु सोमपान है। सोमपाह यस्मात् ते सोमपाह तस्मात् ते पूत पापा, क्या अभिप्राय हुआ? जब यज्ञ होगा तब तो सोम रस पीने की बात आएगी। इसका मतलब है कि यज्ञ करने के लिए पहले वो संकल्प लें, फिर यज्ञ के नियम में अपने आप को स्थित करें, कसें उसको अपने आप को। तो नियमम आस्था है जो सातवें अध्याय में कहा वो यहां अब आया। व्रत बंद होवे तो बार 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 जब यज्ञ करते हैं बार बार नियम लेते हैं, बार बार अपने को उस व्रत में कस देते हैं। तो ते तपस्विनः ते न असंयमिनः, जो लोग कर्म कांड करते हैं वो असंयमी नहीं हो सकते, उनको एक छोटा सा अनुष्ठान करना पड़ता है। ओम नारायण, आपने देखा अभिषेक के दिन हमारे ब्राह्मण भूदेव लोग आए थे उनकी हालत देखो, 7 बजे से हमसे पहले वो चले गए वहां, हैं तैयारी करी और 7 बजे से 11:30-12 बजे तक। तो वो हम लोग बोलते समय कई बार महसूस करते हैं कि पानी का एक घूंट पिया जाए, तो वो आप देखो करीब करीब 5 घंटे बोलते रहे। ग्रंथ नहीं देखना है, सारी पूजा आराधना करवानी है। तो अब ये तो उनका जब नियम होगा तो जब भी कोई व्रत करेगा, जब भी कोई अनुष्ठान करेगा वो उसको तो करना पड़ेगा। तो सोमपाहा सिग्निफाई करता है किसको? आपके व्रती स्वभाव को, आपके पूजक स्वभाव को, आपके तपस्वी स्वभाव को। जब हम एक बार एक शब्द बोल देते हैं सोमपाहा, इसका मतलब सोमरस पियेंगे, इसका मतलब यज्ञ करेंगे। यज्ञ करेंगे माने व्रत लेंगे, नियम का पालन करेंगे, उपवास करेंगे, पवित्रता से रहेंगे। उस काल मर्यादा में कोई ऐसा वचन नहीं बोलेंगे। आप पढ़ो अनुष्ठानों के विषय में तो केवल अनुष्ठान ही नहीं होता, उसमें भोजन शयन वाणी ऐसे बोलते हैं। अभी आप लोग पढ़ रहे तो पुंसवन व्रत पढ़ रहे थे ना, उसमें अब पुंसवन व्रत में किसी के प्रति हिंसा वृत्ति न होवे। लो अब वृत्ति को कैसे रोकें, ये व्रत का विधान किया गया। किसी दिन अशुचिता न हो, किसी दिन झूठे मुंह न सोएं, किसी दिन इस तरह से 15 तरह की चीजें बताई जाती हैं, तब जाके एक व्रत संपन्न होता है। तो यस सकाम होने पर वो कामना पूरी होती है और साथ साथ में व्यक्ति को ये जो व्रत हैं वो उज्जवल बनाते हैं, तपस्वी बनाते हैं। कर्मकांड की जब देखो तब आजकल शौक मचा हुआ है दुनिया में कि ये तो सब रिचुअलिस्टिक हैं। अच्छा आप क्या हो? मैं स्पिरिचुअल हूं। माने क्या?
हर तरह का भोग अलाउड है। यानी स्पिरिचुअल कहने का मतलब, जब आप रिचुअलिज्म को मना करते हो हैं, और अपने को बताना चाहते हो कि मैं स्पिरिचुअल हूं, तो डोंट यू वांट टू से कि मैं किसी व्रत में पढ़ना नहीं चाहता? आर यू नॉट चीटिंग योर सेल्फ? आजकल समाज में एक शौक है, कभी कभी हवाएं चलती रहती हैं, सनातन सनातन है अपनी जगह पर, लेकिन बयार बहती है बीच बीच में, तो लोग फटाफट बोलते हैं ये सब रिचुअलिस्टिक है। अच्छा, आप रहो स्पिरिचुअल, माने शाम को हमें ड्रिंक भी लेना है, मैं तो स्पिरिचुअल हूं, तो आई डोंट बिलीव इन दिस ऑल दिस थिंग्स। अच्छा, संकल्प लेने की हिम्मत नहीं है, बातें करते हो फिलॉसफी की। फिलॉसफी मिसयूज्ड, इट शुड नॉट बी यूज्ड टू जस्टिफाई माई उच्छृंखलता। सी कैसा शब्द लिखते हैं भगवान, सोमपाहा पूत पापा, ऐसे वैसे लोग नहीं है ये। परमार्थ दृष्टि से यस नीचे हैं, लेकिन अदरवाइज दे आर रिलीजियस पीपुल, तपस्वी हैं, व्रतबंध लोग हैं, संयमी लोग हैं। बोले प्रभु, ये स्वर्ग चाहने वाले लोग आपकी पूजा करते हैं, पूजा करते हैं, स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, माने ध्यान रखना, शोभन परिस्थितिम प्रार्थयन्ते, बस इस, क्योंकि सभी लोग ये महसूस नहीं करते कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं, लेकिन ऐसा कौन है जो ये महसूस नहीं करता कि आज की परिस्थिति से कल वाली परिस्थिति मेरी बेहतर हो। शोभन परिस्थिति में जाने की इच्छा, यही स्वर्ग कामना है। इस कामना का जो प्रकृष्ट रूप है उसका नामकरण कर दिया गया स्वर्गकामी। बस तो त्वाम प्रार्थयन्ते, त्वाम इष्ट्वा, आप क्यों, आपका पूजन करते हैं स्वर्ग जाने के लिए। बोले नहीं, नॉट एग्जैक्टली माम। बोले नहीं, आपने लिखा माम, माम इष्ट्वा, तो एकत्वेन इष्ट्वा या पृथक्त्वेन या बहुधा विश्वतो मुखम। बोले भाई नाराज मत हो, माम इष्ट्वा मने वस्वादि रूपेण माम, ये भाष्यकार लिखते हैं। देखो माम शब्द का अर्थ यहां सावधानी से रखना, अधिष्ठान रूपम माम नहीं, सर्वात्म रूपम माम नहीं, सर्वगतम रूपम माम नहीं, किम वस्वादि, ये लिखते हैं वस्वादि देव रूपिणम माम, क्योंकि जिस भी देव की उपासना करोगे वो मेरी ही उपासना है। तुमको मालूम हो चाहे न मालूम हो, मुझको तो मालूम होता है। अब आप कहो मैंने तो अंगूठे में चुटकी ली, मुझे तो मालूम है कि किसको, मेरे कोई तकलीफ होती है ना, चाहे आप अंगूठे में कुछ करो चाहे, हाँ ये तो परमात्मा तो बोलता है मामेव, माम वस्वादि देव रूपिणम इष्ट्वा पूजयित्वा, पूजयित्वा तक ठीक है, पूत पापाहा पूजयित्वा प्रार्थयन्ते किम, बोले स्वर्गतिम। बोले महाराज यहां तक ठीक हो गया, उनको मिलता भी है कि ऐसे ही प्रार्थयन्ते ही रह जाते हैं? मिलता भी है कि नहीं? बोले ते के ते पूत पापाहा, ये जो पवित्र हुए लोग हैं, संयमी लोग हैं, वेदपाठी लोग हैं, वैदिक लोग हैं, वैदिक कर्मानुष्ठान करने में संलग्न लोग हैं, ते पुण्यम आसाद्य
अनुष्ठान करके 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 पुण्य प्राप्त करते हैं। पुण्यों का संग्रह हो गया, जीवन में पुण्य पूंजीभूत हो गए, ते पुण्यम आसाद्य। जब ऐसा पुण्य संग्रह हो गया तो ले प्रत्यय लगा आसाद्य, तो अस्नन्ति सुरेंद्र लोकम। पहले तो जाते हैं सुरेंद्र लोक को, माने इंद्र लोक को। देवानाम पतिरेको धिवासः, जहां वो इंद्र रहते हैं उस लोक को जाते हैं। और फिर केवल जाते नहीं हैं, अस्नन्ति। ऊपर पंक्ति में क्या था, प्रार्थयन्ते। निचली पंक्ति में आया अस्नन्ति। हाँ, पहले किया, अब भोग रहे हैं। वो किया में तीन बात, त्रैविद्या, विद्या संपन्न हो, वैदिक हो। दूसरा इष्ट्वा, यज्ञानुष्ठान करें और पवित्र बने। और फिर प्रार्थयन्ते, तीन बात आई ना, त्रैविद्या सोमपाहा पूतपापा, फिर इष्ट्वा माम, फिर प्रार्थयन्ते, फिर प्रार्थना करते हैं। निचली पंक्ति में अस्नन्ति, लो अब वो भोगते हैं। कथम अस्नन्ति, सुरेंद्र लोकम गत्वा। गत्वा अध्याहार कर लेना, पहले सुरेंद्र लोक जाएंगे सीधे उनके, बोले उनको सुरेंद्र लोक तक ले जाने वाला यान कौन सा है, रेलयान या वायुयान, कौन सा यान है, बोले पुण्य यान है, पुण्य यान। उसी यान पर चढ़ के कोई जाता है, अन्यथा तो कोई नहीं जा सकता। शोभन परिस्थिति में जाने वाला कोई यान बना नहीं आज तक, एक ही है, पुण्य है, जाओगे, कोई रोक ही नहीं सकता। पुण्य नहीं है, पची पची मरिए, मर जाओगे, नहीं पहुंचोगे। इसी जीवन में अशोभन से शोभन परिस्थिति में नहीं जा सकते। स्वर्ग की बात छोड़ो, नारायण। तो कैसे गए, पुण्यम आसाद्य, ते पुण्यम आसाद्य सुरेंद्र लोकम गत्वा किं कुर्वन्ति ते, अस्नन्ति भुञ्जते, भोग करते हैं किसका, दिवि देव भोगान अस्नन्ति दिव्यान, दिवि देव भोगान, दिवि भवान, जो दिव्य लोकों में होने वाले भोग हैं उनको ये लोग फिर अस्नन्ति भोग करते हैं, देव भोगों को भोग करते हैं। सो दे आर रिलीजियस पीपल, दे आर पायस, सिविलाइज्ड कल्चर्ड लोग हैं, वैदिक लोग हैं, व्रत बंध हैं, नियम में अपने आप को कस देने वाले लोग हैं, श्रद्धा वाले लोग हैं। केवल एक ही बात है कि धार्मिक लोग भी, सभी लोग ईश्वर को नहीं चाहते। ईश्वर से व्रतबंध होने पर भी ईश्वर से तो स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, शोभन गतिम प्रार्थयन्ते। तो बहवः जनाः एवं भूताः एव सन्ति, तेषां इयं चर्चा, उनके प्रति ये चर्चा
भगवान ने पूरी कर दी। अच्छा, इनमें कोई कमी है प्रभु? बोले कमी तो नहीं है, ठीक है, लेकिन बस इतना एक दोष लगा है कि इसमें भोक्ता भोग्य संबंध है प्लस अनित्यता है। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, ये नहीं कि कोई चार दिन के लिए आके चला गया, ऐसा नहीं। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये, क्योंकि पुण्य मासाध्य हुआ था, दैट इज द ओनली व्हीकल अवेलेबल। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोके विशन्ति, फिर से मर्त्यलोक में आते हैं। एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्नाः गतागतम काम कामा लभन्ते, ये काम कामाः न तु ईश्वर कामाः, ये जनाः काम कामाः, नाम कैसा बढ़िया रखते हैं भगवान, ये काम्य वस्तुओं के कामी लोग हैं। उनकी चरम उपलब्धि क्या है? स्वर्ग आदि लोक। लोक को हम कैसे बोलें? बोले गतागतम, काम 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 कामाह गतागतम लभन्ते, छोटा वाक्य इतना ही है। ये जनाः काम कामाह ते किम लभन्ते, ते गतागतम लभन्ते, ते गच्छन्ति मर्त्यलोके विशन्ति, पुनः गच्छन्ति पुनः मर्त्यलोकम विशन्ति, गता आगता, जाके आ गए, यह उनकी स्थिति है। तो दो श्लोकों में भगवान ने इन धार्मिक लोगों की चर्चा की। ओम, तीन श्लोकों में, दो श्लोकों में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।